मैंने कभी इतना बड़ा बिल नहीं बनाया जितना मैंने आज बनाया। दिस इज एन इनसेन मॉम हू शॉप्ड अ लॉट। भैया बन गया, छोटू का भी बज्जे बनाएंगे। बज्जे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हो सब? आशु के बर्थडे की तैयारी शुरू हो रही है। एक साल पहले आशु के आने की तैयारी हो रही थी और एक साल बाद बर्थडे की तैयारी हो रही है। मेरा लिपस्टिक शेड कैसा लग रहा है बताओ? खैर मैं लिपस्टिक का डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आगे आशु भी बहुत प्यारी लग रही है। आज की तबीयत आज बिल्कुल पूरे दिन ठीक नहीं रही है। डॉक्टर को दिखाया, हम दोनों को थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है जिसके बारे में मैं घर जाके बताऊंगी एक्चुअली क्या हो रहा है। बट अभी हम रिलायंस ट्रेंड्स के पास है, मेरे घर के बगल में लिटरली खुला है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे क्या कलेक्शन है, क्या मिल रहा है और यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं। बेसिकली हम राज की शॉपिंग करने आए हैं, सो लेट्स गो। Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. लिफ्ट नहीं है मॉल में, नहीं स्टोर में लिफ्ट नहीं है और सीढ़ियों से आशु को नीचे ले आना है। ये डॉग मिली, ये पीछे से लंगड़ा रही है तो मैंने इसके लिए दवाई निकाली। मेरे पास रहती है हमेशा पेन किलर्स वगैरह इनकी, तो दवाई दे दी है। ये पीछे वाले पैर से काफ़ी लंगड़ा रही थी एंड खाना भी दे दिया है। थे हम रात की शॉपिंग करने, बट जब आपके पास इतना क्यूट बेबी हो तो फिर आप उसी की ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हो। फिर मैंने सिर्फ आशमी की शॉपिंग नहीं करी है, मैंने आशमी की दीदी की भी शॉपिंग करी है जिससे मैं आपको बहुत जल्दी मिलाऊंगी, मेरी नंद की बेटी। तो अब हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन नंबर 2 पे। सितारी में बंद हुआ है कि तक गए। व्हाट डू वी हैव टुडे राज? वी हैव टाको, देन वी हैव बुरितो, देन वी हैव आई डोंट नो व्हाट फलानाज एंड इनकाज एंड चलूका। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। हां आज भी तो सो गई है, इसके लिए इतना फ्राइज ले लिया और ये सो गई मैडम। तो स्थानीय फ्राइज का एक दाना भी नहीं छोड़ना चाहते ये जो बच्चे कुछ दाने हैं ना, मैं इनको भी चट कर जाऊंगी अभी। मोमोज गॉन ओवरबोर्ड, इट्स स्टफ फुल ऑफ बर्थडे डेकोर। साइज देख लो एक बार राज, बिल का साइज देखो। ये क्या ले आए, ये कहाँ से ले आए? आज धोखा हो गया, हम वेबसाइट गए कुछ भी नहीं था ऐसा जैसे राज को चाहिए था। हम गलत था, सो वी आर गोइंग टू लाइफस्टाइल, लास्ट ऑप्शन, कुछ नहीं मिला तो वी विल गो टू। जो तुम भेदभाव करती हो ना, सिर्फ पापा से प्यार करती हो और मम्मा को धुक्कारती हो, इसीलिए बस इसीलिए मैं तुम्हें डांटती हूँ। ये जो पापा से टुरू लव है ना तुम्हें, गलत है। भैया को नहीं मारते इससे कितनी। सो गाइस, जैसे कि मैं इतना धूप में जा रही हूँ आ रही हूँ, एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड कि जब भी आप बाहर जाते हो धूप में आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड फील करती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही होता है कि आपको स्किन में सन बर्न हो जाता है और पिगमेंटेशन हो जाती है, विच इज अ मेजर कंसर्न ड्यूरिंग द सीजन। कि बाहर निकलो शरीर तो डिहाइड्रेट हो जाता है, साथ में स्किन भी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि सारा जो नेचुरल वाटर है स्किन में जो भी है सारा निकल जाता है एंड एकदम ड्राइनेस ही क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मामा अर्थ लेकर आया है एलो अश्वगंधा रेंज, जिसमें मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जिनको मैं कुछ दिनों से लास्ट यूज कर रही हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट यू हैव इज द मामा अर्थ एलोवेरा फेस वॉश, जिसमें है एलोवेरा और अश्वगंधा। एंड ये यूथफुल ग्लो के लिए जो पूरा रेंज है, आपको गर्मियों में जो ये प्रॉब्लम्स होती है ना, इससे आपको एक यूथफुल ग्लो प्रोवाइड करने के लिए है। एलोवेरा हर घर में उगता है एंड हमें पता होता है कि स्किन को स्मूदन अप करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए एलोवेरा इज ए सुपर इंग्रेडिएंट। और अश्वगंधा, ओह गॉड, अश्वगंधा तो इतना मल्टी बेनिफिट प्रोडक्ट है, इतना मल्टी बेनिफिट वाला हर्ब है। अश्वगंधा से यू गेट यूथफुल स्किन। ये एक लाइट वेट फॉर्मूला के साथ आता है, लेट मी शो यू। लाइट एंड इतने अमेजिंग फॉर्मूला में आता है ना, यू कैन सी आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बिल्कुल एक लाइट वेट फॉर्मूला है। आई जस्टली क्विकली विल अप्लाई इट ऑन माय फेस, बिल्कुल विद इन सेकेंड आपके फेस में अब्सॉर्ब हो जाएगा। आपको एक यूथफुल ग्लो, बहुत सारा मॉइस्चराइजेशन
और हाइड्रेशन देते हुए. आई जस्ट डोंट अप्लाई इट ऑन माई फेस, मैं अपने नेक पे, अपने हैंड्स में, हर जगह इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि भाई स्किन तो मेरी ही है ना, इसको हर तरीके से अच्छा रखना मेरा काम है. आपको बिल्कुल भी एक टेंशन होती है ना कोई प्रोडक्ट को डेली लगाने से पहले कि यार मैं ये प्रोडक्ट डेली यूज कर सकती हूँ कि नहीं, मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. बट गाइज, मामाअर्थ का एलो अश्वगंधा जेल इज मेड सेफ सर्टिफाइड, नो पैराबेंस, नो टॉक्सिन. और ये सारी चीजें मामाअर्थ के बारे में जानते हैं कि वो मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स डोंट हैव एनी पैराबेंस, एनी टॉक्सिन्स. सो इट्स टाइम टू से एलो टू ग्लो विद मामाअर्थ एलो अश्वगंधा जेल. एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको पिगमेंटेशन रिमूव करने में हेल्प करेगा, आपको स्किन को हाइड्रेशन देने में हेल्प करेगा, एक यूथफुल ग्लो देने में हेल्प करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, हर स्किन टाइप को सूट करेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत लाइट वेट अब्सॉर्बिंग फॉर्मूला, इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है. बोथ द इंग्रेडिएंट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर योर स्किन. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ट्राई करो अलॉन्ग विद द एलोवेरा फेस वॉश. ये इतना लाइट वेट जेल फेस वॉश है, बहुत रिफ्रेशिंग है और मेरे को वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश लगा ये मामाअर्थ की तरफ से. इन प्रोडक्ट्स में विटामिन ई और ग्लिसरीन भी है. सो विटामिन ई जो होता है वो प्रिवेंट करता है स्किन साइन ऑफ एजिंग, और जो ग्लिसरीन होता है वो स्किन का जो एसेंशियल मॉइस्चर है उसको प्रोवाइड करता है. तो ये जो चार सारे इंग्रेडिएंट्स है, दीज आर द पावर इंग्रेडिएंट्स एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन. Now, whenever you purchase anything from Mamaearth, they link your order on a website, 2 or 3 that they plant. By 2025, they're aiming to plant 1 million trees, which is an amazing initiative, I think. Mamaearth ki websites aur apps se aap ye products khareed sakte ho. Main aapko recommend karungi aap app ya website se khareedo, kyunki wahan pe aap use kar sakte ho mera code GHOSH2022 and flat 20% off aapko mil jayega aapke products pe. So guys, you can get all these products from Nykaa, Flipkart, Amazon, which is amazing. Jahan se lena hai aap lo, aapki comfort ke hisab se. But I highly recommend this Aloe Ashwagandha gel because it's very very lightweight and it's a very good product for summer season. And मैं आपको highly recommend करूंगी ये फेस वॉश और ये जेल, साथ में बहुत ही अमेजिंग काम करता है. मेरे नेल्स देख रहे हो, नेल्स की बैंड बज रखी है. परसों अश्वी का बर्थडे है, चौल कोट बर्थडे प्रेप्स, कोई आ रहा है हमारे घर पे. I'm gonna show you, last vlog में आपने किसी को जाते हुए देखा था, इस vlog में कोई आ रहा है, so I'm gonna show you that. और अभी मैं बहुत मेस मेरे को ठीक करना है, मेरा पूरा स्टूडियो रूम है, इसको पूरा कचरा भरा हुआ है, इसको साफ करना है, बिकॉज मेरी मम्मी आ रही है, मेरी बहन आ रही है, राज की मम्मी आ रही है, राज का भाई आ रहा है, और जिसको नहीं पता है राज की बहन यानी कि मेरी इकलौती नंद भी आ रही है. वो परसों आ रही है, अश्विन के बर्थडे वाले दिन, तो शायद आपको उस दिन मैं जो व्लॉग करूँगी उसमें देखने को मिलेगा. बट आज कोई आ रहा है, सजेस्ट करो कौन आ रहा है आज. एंड अभी मेरे को पूरा मेस ठीक करना है बिकॉज ऑल द रूम्स आर गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड. घर में बहुत सारे लोग जाएंगे तो बहुत सारी सफाई भी करना जरूरी है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में आता है कोई भी तो आप सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखो. सो आई एम गोना डू दैट. माँ हाथ सैनिटाइज करके लो जल्दी. कितना खुश है. आई हैव स्लिप्ड इनटू माय बर्थडे, आशी का बर्थडे ड्रेस. 100 पॉइंट्स टू दृति घोष. मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में बताया था कि आई एम गोइंग टू वेयर अ ड्रेस जो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ अपने किसी लाइफ के मेजर इवेंट में. आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस बिकॉज आशमी भी कुछ ऐसे ही पहन रही है. एंड आई सडनली रियलाइज कि यार यही ऐसी ही ड्रेस मेरे पास खुद के पास ऑलरेडी है, तो मैं क्यों 15,000-20,000 रुपये दोबारा खर्च करूँ और वेस्टेज क्रिएट करूँ प्लैनेट में, जब मेरे पास इतनी प्यारी ड्रेस है. सो माई ड्रेस गाइज, आई एम अ प्राउड बिलीवर कि आपको कपड़े रिपीट करने चाहिए. अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो उनको रिपीट करो और नए नए मत लो. लेट मी शो यू माई ड्रेस. सब्सक्राइबर दृति जिसने गेस कर लिया था कि मैं यही पहनने वाली हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं कुछ रिपीट करने वाली हूँ एंड उसने मुझे पकड़ लिया. आई गॉट दिस ज्वेलरी फ्रॉम मिंत्रा. लेट मी सी इसके साथ कैसे लग रही है. दिस इज़ द ज्वेलरी जो मैंने खरीदी है. आई नो मैंने रोज गोल्ड कलर में नहीं खरीदी बिकॉज मैंने अपने एंगेजमेंट के टाइम पे वही कलर की खरीदी थी एंड वो पूरी कलर छूट गया एंड वो बहुत बेकार हो गई. बट दिस इज द ज्वेलरी आई एम गोना वेयर विथ माई आउटफिट. लेट मी नो कैसी लग रही है ज्वेलरी इस आउटफिट के साथ. एंड यस, आई एम गोना वेयर माई माइकल कॉर्स वॉच एंड वी वुड बी रेडी सेडी सेट टू रॉक. इतनी मेस्ड अप है ना, इधर एक ये है, इसको मेरे से चिपकना है, इसको भी मेरे पास रहना है, इसको उसको छूना है, ये उसको काट लेगा. मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ. और उधर चालू है. सो गाइज, आज दीदी सांभर और आलू तैयार करके गई और मैं बना रही हूँ डोसा. क्यों बना रही हूँ, बिकॉज आज डोसा खाने का प्लान था. मैं रेडीमेड बैटर लाई थी और रेडीमेड चटनी लाई थी, तो बाकी चीज़ें दीदी करके गई है.
मैं अभी फलाफट डिनर बना रही हूँ, मैं आशु को सर्व करूँगी, उसका खाना हो जाएगा, फिर हमको मैसिव क्लीनिंग करनी है, अब वो आप हमारे साथ करोगे, आपको साथ में करना पड़ेगा, तो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि क्या होने वाला है। आज तो रंगा लगने वाली है, कल परसों तो मेरे को हार होने वाला है, मेरी हड्डियाँ टूटने वाली है, मर जाऊंगी, मैं लिटरली काम करते थे, ऐसा लग रहा है बहुत टेंशन होगी कल परसों भी सोच के। बाकी मैं थोड़ा बटर निकाल देती हूँ आशु के, तो सामने थोड़ा बटर डाल दूँगी। मैं आज का ब्लॉग खत्म कर रही हूँ बिकॉज अब मेरे को रिटर्न गिफ्ट्स पैक करने हैं, कल है आशवी का बर्थडे, शी इज बिजी वॉचिंग भजन, एंड मैं यहाँ पे ब्लॉग खत्म करती हूँ आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। नेक्स्ट वाली वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, आई प्रॉमिस यू दैट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर टुमारो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, आई लव यू ऑल सो मच।